असलकूल वरम वरक इस टाइम पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैं आपके साथ एक ऑर्डर शेयर कर रहा हूँ जिसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे इंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स लेक्चर टीचिंग लाइब्रेरियन एंड पी टी आई फार दैडमिक सेशन टू ज़ीरो टू टू यहाँ पर जो आपके साथ मैं बात शेयर करना चाहूँगा ये एक ऐसा आर्डर है जिसपे आप डेट देख पा रहे हो डेट है टेन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का डेट है और सेक्शन की बात की जाती है टू ज़ीरो टू टू अब बहुत सारे लोग जो यहाँ पे हैं जो इस वीडियो को देख पा रहे होंगे उनके जहन में ये बात होगी एक टाइपिंग एरर है अगर यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है नीचे आप और एक चेक और एक बात को थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर से वही बात अगर आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे जो ऑन द बेस ऑफ मेरिट आ, सर मैडम के बाद अगर आप चेक करेंगे नीचे जो इन्होंने बॉडी में इसको मेंशन किया गया है कि जो ये आ, आ, सेशन है कि सेशन के लिए द्लिकेशन वायर कॉल्ड फॉर द एकेडमिक सेशन फिर से टू जीरो ट्वेंटी टू दरअसल ये कोई टाइपिंग एरर नहीं है ये एक लापरवाही है जो नूडल कॉलेज या नूडल ऑफिस या नूडल कॉलेज की आ, के जरिए की जाती है ये जो एकेडमिक अरेंजमेंट फैकल्टी बहुत सारे कॉलेज को अभी चला रही हैं आप ये चेक करिए मेजॉरिटी ऑफ द दे आर बीइंग यू कैन से सपोर्टेड एंड द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क लोड इज़ बिंग शेयर बाय द एकेडमिक अरेजमेंट फैकल्टी मेंबर्स इन दिस वेरी कॉलेज ये पुराना वाला ऑर्डर है जो लास्ट ईयर का आर्डर पब्लिश किया गया था जब उस टाइम पे एस पी कॉलेज नोडल कॉलेज के तौर पर काम करता था इससे पहले कुछ दिन पहले एक ऑर्डर एस पी कॉलेज का जो प्रिंसिपल हैं वो निकालते हैं वहाँ से और मेंशन करते हैं कि नोडल कॉलेज हैज़ बिन चेंज फ्रॉम एसपी कॉलेज टू तो अमर सिंह कॉलेज और हैन्स फोर्थ ये जो ऑर्डर आया था मुझे लगता है आज से पाँच आठ दिन पहले आया था दस दिन पहले तो हर कोई क्वेरी जो होएगी पर्टेनिंग टू तो दिस वेरी थिंग डैट विल्टर द इनक्वाज दे विल बी टेकन केयर बाय द नोडल कॉलेज दैट इज़ नाउ करेंटली अमर सिंह कॉलेज और यहाँ पे दस पाँच को एक नोटिफिकेशन आ जाती है फिर से एसपी कॉलेज का मेंशन किया जाता है कि नोडल कॉलेज उन्हीं के ज़रिए एक ऑर्डर आ जाता है एक तो ये बात है कि यहाँ से ये यह सीधे पता चलता है कि जो नाकामी है यहाँ के जो नोड यहाँ का जो नोडल कॉलेज है फिर भी जम्मू में जो नोडल कॉलेज है दैट इज़ फार फार एन फार बैटर दैन नोडल कॉलेज जो यहाँ पे कश्मीर रीजन में है बिकॉज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा लापरवाही और इतनी ज़्यादा गलतियाँ इनसे हो पा रही हैं कि ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता है कि फैब में ये फॉर्मस एप्लीकेशनस पूछते हैं कि इस चीज़ के लिए एप्लीकेशनज़ आप सबमिट करिए और लिस्ट को प्रिपेयर करने में इनको दो तीन महीने लग जाते हैं दो तीन महीने बाद भी जब डिप्लॉयमेंट कैंडिडेट्स की कॉलेज में होगी यूजली अप्रैल में वो भी बहुत मुश्किलों के बाद एक एक लिस्ट को पाँच पाँच बार रिवाइज़ करना पड़ा फिर भी इनमें ग़लतियाँ रह गई फिर भी कैंडिडेट्स आधे कैंडिडेट्स को बुलाया गया फिर उनकी काउंसलिंग नहीं हो गई चलो वो तो चीज़ें हैं उन पर हम बात नहीं करेंगे अभी लेकिन जो बात जिसपे हमें अभी बात करनी है वो ये हैं कि इस टाइम पे आप चलिए मान लीजिए कि इन्होंने इस महीने में एक डेढ़ महीने बाद डिप्लॉयमेंट जो इन्होंने या कन्फर्मेशन आप इसको बोल दीजिए इन ए वे या डिप्लॉयमेंट ऑर्डर आप इसको बोल बोलिए जो कॉलेज को सेंड किया गया है इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको उस टाइम पे एक कॉलेज अलाट किया गया था वो दो डेढ़ महीने से उस कॉलेज में काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑर्डर में या जो कंफर्मेशन आप बोलेंगे इसको यहाँ पे उनका कॉलेज कुछ और दिखाया गया है अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर जो हमारा वहाँ पर अमला बैठा हुआ है वो इस चीज़ को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं जम्मू का जो नोडल कॉलेज है वहाँ पे ये गलतियाँ क्यों नहीं हो पा रही होती हैं यहाँ पे हर आए दिन गलतियाँ 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 क्यों होती हैं या तो आप इस चीज़ के साथ सीरियस नहीं हो या तो हम ये माने कि वहाँ पे जो अमला बैठा हुआ है वो इसके इसका अहल ही नहीं है कि वो ये काम कर सके ये तो हुई दूसरी बात तीसरी बात जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था दो दिसंबर में इन एकेडमिक एक्डेमिकरेंजमेंट फैकल्टी मेंबर्स को यू कैन से डिसंगेज किया गया था उसके बाद फॉर्म्स को सॉर्ट आउट किया गया उसके बाद इनके फिर से कॉलेज अलाट किए गए अप्रैल में अप्रैल से लेके पूरा महीना चला गया अब मई भी आप देख लीजिए आज डेट क्या है ट्वेल्थ या थर्टीन की मैं बात करूँगा तो इस डेढ़ महीना हो गया इनको काम करते करते और दिसंबर में इनके पास जो सैलरी आई हुई है तब से ये लोग विदाउट सैलरीज हैं अभी भी इनके पास कोई सैलरी चूँकि डेढ़ महीना इन्होंने काम किया इनके पास पिछले तीन से सैवरी महीने से सैलरी नहीं है ये डेढ़ महीना मिला के चार पाँच महीने हो जाते हैं इनके तो ये विदाउट सैलरीज काम कर रहे हैं कॉलेज़ में खुदा इस चीज़ को सोचे इनकी भी फैमिलीज़ हैं इनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये अपने घरों को चलाए तो चलाए कैसे जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स एट द हेलम ऑफ यू कैन से अफेयर्स बैठे हुए हैं उनके लिए एक जो छोटी सी कन्फर्मेशन या डिप्लॉयमेंट ऑर्डर जिसको आपको एक घंटा लग सकता है कंपाइल करने में उसको डेढ़ महीना दो महीना आप लगा देते हो और वही पुरानी वाली गाइडलाइंस आप यहाँ पर मैंशन कर देते हो उन्हीं के सहारे आप इसको प्रमोट करने की कोशिश कर और ऊपर से बहुत दोहार हमने लगाई है सैलरी हाइक के लिए कभी कभार बोला जाता है इट इज़ इन द पाइपलाइन हमारी जो सैलरी हाइक है कभी हुई ही नहीं अगर आप चेक करेंगे 2018 में आपने एक लॉलीपॉप दिया जो मैंने लास्ट टाइम में बोला आपने बोला 18000 से हमने 28000 सैलरी की लेकिन उसमें आपने हमारा विंटर डिडक्ट कर दिया हमारी चार महीने तो हमारी सैलरी पंद्रह हज़ार पर अठारह हज़ार से आपने पंद्रह हज़ार कर दी हमारी सैलरी और आप कहते हो कि हम यहाँ के जो एजुकेटेड यूथ हैं उनके हम खैर कहाँ तो खुदा रहा जितने भी ऑफिसर्स एट द हेलम ऑफ अफेयर्स बैठे हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं एल से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के यूथ को जो हाईली क्वालिफाइड यूथ हैं उनको कंपेल मत करिए कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए आप इनको कंपेल कर रहे हो कि वो सुसाइड ऑप्ट करे और आप इस, इनकी लेवल पे जाके सोच ही नहीं रहे हो कि इन लोगों की गलती क्या है आप बोलते कि जो आप फॉर्मस निकालते हो आपको चार चार साल लगते हैं एक एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कम्प्लीट करने में एक इंसान को जो चांसऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको तो चार सालों में एक बार भी नहीं मिलता है लास्ट टाइम की जो नोटिफिकेशन देख लीजिए आपने निकाली शॉर्ट लिस्टिंग कर दी उसको विदड्रा कर दिया आप पता नहीं फिर से आपने आप उसके लिए फा तलब किए हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पता नहीं कितने साल आप उस चीज़ को अब लगाने पर लगा लगा दोगे तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखिए आपकी नााहली की वजह से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ओवर एज हो रहे हैं डिपार्टमेंट की नाकामी की वजह से इन लोगों को चांसऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है ये लोग इन्होंने अपना यूथ जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए पी या नेट सेट जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन हैं उनको अचीव करने के लिए लगा दिया और इनको इसके एवज में मिल क्या रहा है एक्सप्लाइटेशन ढक्के सैलरी इनको नहीं टाइम पर मिल रही हैं इनकी जो हालत है वो तो बेगर्स के जैसे आप लोगों ने बना दी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी ऑफिसर्स एट द हेलम ऑफ अफेयर्स हैं मैं हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली आप देख लीजिए और जितना जल्दी हो सके इनकी जो सैलरी है वो आप यू जी सी गाइडलाइन के हिसाब से दे दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है जो बेसिक सैलरी इनका हक बनता है जो बाकी स्टेटस दे रही हैं या जो यहाँ पर आपकी कश्मीर यूनिवर्सिटी दे रही है जो यहाँ पर आई यू एस टी दे रही है जो आपका लद्दाख डिवीजन दे रहा है जो आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी दे रही है आपको कौन चीज़ रोकता है वो वाली सैलरी इनको देने से क्या इनकी डिग्री और उनकी डिग्री में कोई फ़र्क है जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं जो आपके जम्मू डिवीजन में काम करते जो डीयू में काम करते हैं जो हमारे जो इंडिया के बाकी बाकी जो स्टेट्स है यूनियन टेरेटरीज हैं वहाँ पे जो फैकल्टी काम करती है डिग्रीज तो सेम है उन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है इन्होंने भी उनके पास भी पी इनके पास भी पी एलिजिबिलिटी तो हर एक जगह पर सेम है लेकिन ये जो डिबल स्टैंडर्ड आप एडोप्ट कर रहे हो ये चीज़ थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा और आप ये चीज़ जो है थोड़ा सा जहन में रखें कि ये जो लोग हैं अकेडमिक अरेंजमेंट ये आपके कॉलेज का जो पूरा वर्क है उसको पूरी तरीके से शोल्डर कर रहे हैं इनकी बदौलत आपके कॉलेज चल रहे हैं और ये देख लीजिए जहां जहां पर बहुत सारे आपके ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपकी परमानेंट फैकल्टी एक या दो है या कहीं पर कुछ कोई है ही नहीं वहां पर फैकल्टी मेंबर्स हैं इन कॉलेज को चला रहे हैं और आपका तो इनकी तरफ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है साउतीली माँ का जो बर्ताव है आप इनके साथ कर रहे हो आखिर खुदा रहा यह सोचे ये भी तो इंसान ही है अगर आप ये देख लीजिए इनकी सैलरी एक कैसे मेजोरिटी ऑफ़ देम देर शोल्डरिंग दे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे आर हैविंग देयर फैमिलीज़ हैव देयर किड्स एंड दिसंबर में आपने डिसंगेज कर दिया जो आपने 2019 में इनका विंटर समर आपने डिडक्ट कर दिया विदाउट एनी रीज़न अब वहाँ से ये लोग मुझे बोले पाँच महीने ये कहाँ से कमाएँगे अपनी फैमिली को कहाँ से खिलाएंगे अभी आपने लास्ट टाइम पर इनको रिक्रूट किया अभी भी इनकी सैलरी की कन्फर्मेशन आप नहीं दे रहे हो अभी भी इनकी सैलरीज किसी भी कॉलेज में रिलीज़ नहीं की जाती है तो ये लोग जाए तो जाए कहाँ पे कम से कम इस चीज़ को तो आप देख लीजिए क्या कहीं ऐसा आप नहीं कर रहे हो आप यहाँ का जो ये यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का आप इनको मजबूर कर रहे हो मजबूर कर रहे हो कि ये कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाए एक साइड से आप कह रहे हो सुसाइड्स क्यों ज़्यादा हो रहे हैं एक साइड से कह रहे हो ड्रग्स क्यों यहाँ पर जो पॉलिसी इंटरवेंशन की बात आ रही है ड्रग्स क्यों इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा हमारा जो हाईली क्वालिफाइड यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है सुसाइड क्यों करता है दूसरे साइड से आप हायर हाईली क्वालिफ़ाइड लाट के साथ इतनी ज़्यादा एक्सप्लाइटेशन करोगे तो जो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो तो आपको इन्हीं चीजों में दिखेगी ना कम से कम इस चीज की तरफ तो आप तो दे दीजिए कि ये लोग करे तो करे क्या इनके पास कौन सा ऑप्शन बचा है मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और जो कमिश्नर सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन उनसे जो हमारे नोडल प्रिंसिपल हैं या जो हमारे डायरेक्टर डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उनसे मेरे करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैं अपनी प्रीम प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बहुत इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है अदरवाइज़ जो यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड लाट हैं इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो तबाह हो चुकी है ये मजबूर हो रहे हैं सुसाइड करने के लिए या ये कोई और एक्सट्रीम स्टेप उठा सकते हैं तो मैं हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करता हूँ एक इंटरवेंशन करिए सो दैट कि इनका जो ड्यू राइट right है विद इन दू कैन से एम्पिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको वो मिले थैंक यू वेरी मच